अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे माता रानी, मम्मी जी और पापा जी को ना फिर से साथ लाने की कोशिश कर रही हूँ। अपना मूड चंगा रखना, क्योंकि आपका मूड चंगा तो टल जाना है सारा पंगा। इतने सालों बाद तो माँ दी है आपने मुझे, हिम्मत देना कि बेटी होने का फर्ज अच्छे से निभा सको। फोन करती हूँ दीदी जी। सर जी, पूछने के लिए फोन किया था कि आपने वो लिफाफे भेज दिए। हाँ हाँ, मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया, बस पहुंचता होगा, डोंट वरी। जी ठीक है, लगता है आ गया, मैं करती हूँ आपको। थैंक यू। पापा जी, अब ये तरकीब ना कभी आप करा देना। ये लॉकेट हमारे प्यार की एक छोटी सी निशानी है, और ये मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। मम्मी जी को तो पुरानी यादें देखकर खुश होना चाहिए था, पर मैडम जी तो और परेशान हो गई। अतीत में कि मैडम जी चिट्ठियां देकर इतनी परेशान सी हो गई। ये चिट्ठी तेरे पास, अगर ये चिट्ठी परम जी ने नहीं भेजी तो किसने भेजी है? कौन कर सकता है सर? कुछ पूछ रहा हूं, ये चिट्ठी तेरे पास। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, ये चिट्ठी तेरे पास कैसे आई? आपके किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती।
ये क्या किया तुमने? तो अच्छी तरह से जानती है कि यही कुछ पुरानी यादें हैं जिनके सहारे मैं जिंदा हूं। तो मेरी जिंदगी से कीमती यादें क्यों बर्बाद कर देना चाहती है पॉल? क्यों किया तूने ये सब? मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच सच बता कि तू क्या नई चाल चल रही है? मैं चाल चल रही हूं इन चीजों को देखकर मुझ पर क्या गुजरती है एहसास है आपको? ये मुझे बासल करके क्या जताना चाहते हैं आप? 25 साल पुराने जख्म जो अब तक नहीं भरे उन्हें क्यों कुरेद रहे हैं आप? क्यों? क्या बोलने जा रही है तू? अरे मैं इन चीजों पे ना तेरा साया तक भी ना पड़ने दूं, मैं क्यों भेजूंगा तुझे? तो मुझे सिर्फ ये बता कि तूने ये लॉकेट क्यों तोड़ा? एक टूटे हुए लॉकेट को देखकर इतनी तकलीफ हो रही है आपको, और जो मैं पिछले 25 सालों से एक टूटे हुए रिश्ते का बोझ ढो रही हूं वो आपको नहीं नजर आता। एक बात बताइए, आपके अधूरे प्यार का सोका कब तक मनाते रहेंगे? आपने कभी कभी मेरे बारे में सोचा? मैं तरस गई एक नजर के लिए, एक अल्फाज के लिए कि आप एक बार मुझसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से देखेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके मन में मेरे लिए कोई जगह है ही नहीं। ढिल्लो परिवार की बहू, तेज की माँ, ये सारे फर्ज मैंने बखूबी निभाए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि मैं कभी आपकी पत्नी नहीं बन पाई, क्योंकि ना तो कभी आपने मुझे वो दर्जा दिया, ना वो इज्जत और ना ही वो प्यार। वहां मैं फेल हो गई आपकी नाराजगी इस बात से है ना कि आपका प्यार अधूरा रह गया। लेकिन प्यार तो मुझे भी नहीं मिला परम जी। रचना मैंने 25 साल सिर्फ तुझसे नफरत की, अपनी पुरानी यादों को संभाले रख। मैं हमेशा अपने बारे में सोचता रहा, मैंने कभी तेरे बारे में सोचा ही नहीं। माफ कर दे मुझे राजरानी। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।